आज हम बात करने वाले क्लास 9 के चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड द स्क्वायर के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की। पिछली वीडियो में हमने बात करी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स और उनकी कंसंट्रेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन के टाइप, जैसे कि होमोजेनियस मिक्सर है, हेटरोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर के अंदर जितने भी कंपोजिशन है, जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर डिजॉल्व है, सबका कंपोजिशन इक्वल होता है, यानी वो सब यूनिफॉर्म रूप से घुले होते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, एक समान रूप से घुले होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा हेटरोजेनियस मिक्सर को, हेटरोजेनियस मिक्सर में कोई भी पार्टिकल्स आपस में डिजॉल्व नहीं होते, इसके अंदर हमको सेपरेटली जो है कोई भी सब्सटेंस इजीली दिख जाता है, यानी वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता किसी सॉल्यूशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन की। सो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक तरह का हेटरोजेनियस मिक्सर है, जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूट हमने ऐड किया और वो उसमें कुछ देर के लिए तो घुल जाए, कुछ देर के लिए डिजॉल्व हो जाए, हमको लगे कि डिजॉल्व हो गया, लेकिन जब उसमें हम उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, सेपरेटली अलग से रख देते हैं उसको, तो उसमें कुछ देर बाद जो सॉल्यूट हमने उसमें डिजॉल्व किया है वो सेटल डाउन हो जाता है, उसके अंदर नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, यानी बॉटम के अंदर बैठ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हम चौक पाउडर लेते हैं, चौक पाउडर को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि चौक पाउडर उसके अंदर घुल गया कुछ देर के लिए, लेकिन हम उसको जैसे उस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर चौक पाउडर नीचे बॉटम में बैठ जाता है। ये होता है सस्पेंशन, कि कुछ देर के लिए हमको ऐसा लगे कि उसमें डिजॉल्व हो गया, बट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता, वो बाद में उसमें सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे ही बात करें हम लाइम वाटर की, लाइम वाटर होता है चूने का पानी, उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हम इसको सफ़ेदी के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए काम में लेते हैं, वाइट वॉशिंग में हम क्या करते हैं, लाइम वाटर को यूज करते हैं, उसके अंदर हम लाइम डिजॉल्व करते हैं, चूने को डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जब वो उसके अंदर घुल जाता है कुछ देर के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन हम उसको सेपरेटली अगर रख दें तो उसमें भी लाइम क्या होगा, थोड़ी देर बाद में बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाता है। ऐसे बात करें मैं एग्जाम्पल की, जैसे एक मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ क्ले वाली मिट्टी है, इसके अंदर क्या है, वो इजीली उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते, कुछ देर के लिए हो जाते हैं, लेकिन बट बाद में बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, इसमें देखिए, ए सस्पेंशन इज ए हेटरोजीनियस मिक्सर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। एक सस्पेंशन क्या है, एक हेटरोजीनियस मिक्सर है जिसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता, इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता, ये होता है सस्पेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल की बात करें, अभी मैंने जैसा को बताया सिलिकॉन लाइम का एग्जांपल है, इसके अलावा मडी वाटर का एग्जांपल है, ये चौक जो चौक पाउडर है उसका एग्जांपल किसमें आएगा, सस्पेंशन में आएगा। ये एक हेटरोजीनियस मिक्सर है, बट पूरी तरह से हेटरोजीनियस नहीं है, इसमें कुछ मात्रा में ये घुल जाते हैं और बाद में वापस बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें फर्स्ट है, इसमें सिलिकॉन लाइम सस्पेंशन यूज फॉर वाइट वॉशिंग हैज पार्टिकल्स ऑफ सिलिकॉन लाइम सस्पेंडेड इन वाटर। यानी सिलिकॉन लाइम है जिसको हम बोल रहे हैं चूने का पानी, जो है चूना है जिसको हमने पानी में डिजॉल्व किया है, उसके अंदर क्या होता है, हम उसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज में लेते हैं और सिलिकॉन लाइम उसमें क्या है, सस्पेंशन के रूप में प्रेजेंट है, जो लाइम है वाटर के अंदर सस्पेंशन के रूप में प्रेजेंट है। सेकेंड बात करते हैं एग्जाम्पल की, मडी वाटर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन वाटर। मडी वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ क्ले पार्टिकल हो सकते हैं, यानी चिकनी मिट्टी के या फिर कोई ऐसी गंदगी के पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें सस्पेंशन के रूप में प्रेजेंट है, जो हम उसको पानी को हिलाते हैं तो उस कंडीशन में तो वो उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जैसे वो पानी बाद में शांत पोजिशन में होता है, अपने रुक जाता है हिलता हुआ, तो उस कंडीशन में वापस वो नीचे बैठ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। नंबर वन, दे आर हेटरोजीनियस मिक्सर, ये कैसे होते हैं, हेटरोजीनियस मिक्सर होते हैं। नंबर टू, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई, हम जो भी सस्पेंशन किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है उस सस्पेंशन को हम अपनी नेकेड आई से, यानी बिना किसी लेंस के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तीसरा ये है कि अगर हम किसी सस्पेंशन में या किसी जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करें, बीम ऑफ लाइट को पास करवाएं, लाइट की बीम को पास करवाएं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो लाइट है
उसकी बीम को अपने अंदर से पास होने देता है, गुजरने देता है, यानी उसकी लाइट को अपने अंदर से फैला देता है, स्कैटर कर देता है उसे, और उसके पाथ को विजिबल बनाता है, यानी उसमें से हमको इजीली लाइट जो है वो दिख जाती है। ठीक है, कभी आप जैसे कि कोई गिलास हो तो कांच का, उसके अंदर आप पानी डाल के देखना, उसके अंदर आप चूने का पानी घोलना उसमें जनरली, उसको आप देखना हिला करके डिजॉल्व करके, उसके अंदर बीम ऑफ लाइट जो है इजीली पास हो जाती है, और थोड़े से हमको पाथ है वो विजिबल दिखता है, जैसे हमको आर पार दिख जाता है उसमें। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, हम इन सस्पेंशन को सिंपल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप उसको कुछ देर के लिए सोल्यूशन को रख दीजिए, बॉटम के अंदर जो आपके जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे की बात करते हैं सैंड की, क्ले सॉइल की, या फिर आप बात करते हैं चॉक पाउडर की, तो वो क्या नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, उसको हम ऊपर का पानी अलग से फिल्टर करके निकाल सकते हैं, उसको छान करके भी हम निकाल सकते हैं, ये होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको इसकी शॉर्ट करके नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं फिर हम कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन नेक्स्ट बात करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ए कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट दोज इन ट्रू सोल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। कोलाइड उनको बोलेंगे जो एक ट्रू सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन के बीच के इंटरमीडिएट हो, यानी ये ना तो ट्रू सॉल्यूशन है और ना सस्पेंशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े और सस्पेंशन से छोटे। हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन है, या इसके अलावा साल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर शुगर और साल्ट वाटर के अंदर पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं, हमको विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं है। लेकिन सस्पेंशन की हम बात करते हैं लाइम वाटर की, जैसे कि इसके अलावा मडी वाटर की, तो उसके अंदर हमको सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो इजीली हमको दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से, इसके अंदर बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स और सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, इनको एक विजिबल माइक्रोस्कोप जो है उसके थ्रू देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं इनके पार्टिकल्स को। क्या है देखो, इसमें आगे बात करें, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स की साइज छोटी होने के कारण एज कम्पेयर्ड टू ए सस्पेंशन, सस्पेंशन की कंपेयर करते हैं, द मिक्सर अपीयर्स टू बी होमोजीनस। तो मिक्सर कैसा दिखता है, होमोजीनस दिखता है। सस्पेंशन कैसे है, हेटरोजीनस मिक्सर है, जबकि ये कैसा है, होमोजीनस दिखता है हमको। बट एक्चुअली ए कोलोइडल सोल्यूशन इज ए हेटरोजीनस मिक्सर, लेकिन क्या है, ये दिखता होमोजीनस है लेकिन एक्चुअल में क्या है, हेटरोजीनस मिक्सर होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, मिल्क, मिल्क के अंदर कुछ क्वांटिटी में जैसे क्रीम वगैरह ऐड होती है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे बात करें, जैसे मलाई बोलते हैं जिसको, बाद में उसको गर्म करके तो उसमें अलग से आ जाती है मलाई, उसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह के कुछ जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिल्क है तो मिल्क किस में आएगा, कोलोइडल में आएगा। इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उसको पास नहीं करती, लेकिन अगर हम कुछ हैवी लाइट पास करें, कुछ तेज हाई प्रेशर ऑफ बीम ऑफ लाइट के क्या करें, इसके अंदर पास करें, तो हाई बीम ऑफ लाइट को पास करने पर क्या होता है, इसके अंदर ये उसके अंदर लाइट को पास हो जाने देते हैं, और हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में, एक कोलोइड इज ए हेटरोजीनस मिक्सर, एक कोलोइड कैसा है, हेटरोजीनस मिक्सर है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स कोलोइड के, टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेकेड आई, कि हम इसको डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इंडिविजुअल तरीके से इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। वेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट, जब इसमें से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास की जाती है, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, तो बीम का जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है, विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्टिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज की, कोलोइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कोलोइड सॉल्यूशन की, जिनमें सबसे हमने पहले बात करी थी कि कोलोइड सॉल्यूशन क्या करता है, एक हाइड्रोजनस मिक्सर होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जो सस्पेंशन है उससे छोटे और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, अपने अंदर से पास कर देता है। नेक्स्ट इसमें, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द रीजन ऑफ कोलोइड स्टेबल। नेक्स्ट क्या है इसमें प्रॉपर्टी, इसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए
बिना इसको हिलाए हमने छोड़ा छोड़ दिया इसको, तो अब इसके अंदर जो है पार्टिकल सॉल्यूट के वो सेटल डाउन नहीं होते। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक से जिसको हम बोलते हैं नॉन है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से उनको अलग कर सकते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट दी कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स को यूज करने के लिए जो सेपरेट करने के लिए जो स्पेशली मेथड है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम जनरली जैसे दही से हम छाछ बनाते हैं, तो छाछ के अंदर जो बटर होता है, छाछ के अंदर जो बटर होता है उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। ऐसे कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्लोरीन पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से कंपोनेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन के, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है, सॉल्यूट जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं किसी मीडियम के अंदर, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉल्वेंट जिसके अंदर हम घोल रहे हैं, सॉल्यूट जिसको घोल रहे हैं और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिजॉल्व कर रहे हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। इसे एग्जांपल के लिए मैंने बात करी, यहाँ पे एक बीकर ले रखा है मैंने, बीकर के अंदर वाटर ले लिया मैंने, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वाटर के अंदर हमने जैसे सैंड इसके अंदर रेत क्या है, सैंड डिजॉल्व करी, तो सैंड तो क्या बन जाएगी यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि ये सॉल्यूट है घोल रहे हैं इसको हम, और किसके अंदर घोल रहे हैं, वाटर में घोल रहे हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा। ये कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी फेज कौन कौन सी, उसकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज तो सॉल्यूट होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट होता है, दोनों मिलकर के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, कौन कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या फिर हमको देखने को मिलते हैं। तब तक इसलिए इसको इसको शॉर्ट करके नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइड के एग्जांपल्स, कोलोइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, वो किस टाइप का कोलोइड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उन सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने टेबल बनाई है बोर्ड पर, इसको टेबल को देखिए। मैंने एक तरफ लिखा डिस्पर्सिंग फेज यानी सॉल्यूट, डिस्पर्सिंग मीडियम मीन्स सॉल्वेंट टाइप सॉल्यूशन का और उसका एग्जांपल, ठीक है। इसकी बात करें तो डिस्पर्सिंग फेज सबसे पहले लिक्विड किसके अंदर डिजॉल्व है, गैस के अंदर, यानी लिक्विड तो डिस्पर्स फेज हो गई और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। कैसा टाइप बनाएंगे सॉल्यूशन का, एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल जैसे फॉग है, क्लाउड्स बादल है, मिस्ट धुंध है, ये सब इसमें है एग्जाम्पल एरोसोल के, और क्या होगा इनमें लिक्विड गैस के अंदर डिजॉल्व है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें सॉलिड गैस में डिजॉल्व है, यानी सॉलिड तो डिस्पर्सिंग फेज है और गैस डिस्पर्सड मीडियम है, तो ये भी एरोसोल बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, इसमें सॉलिड डिजॉल्व है गैस के अंदर। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है उसको क्या कहते हैं, एरोसोल बोलते हैं, और उसमें सॉलिड गैस के अंदर डिजॉल्व होता है। तीसरा है गैस लिक्विड में डिजॉल्व है, यानी गैस डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, क्या बनाएंगे फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल इसका सेविंग क्रीम, लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व है इमल्सन बनाते हैं, एग्जांपल इसके मिल्क और फेस क्रीम, ये एग्जांपल इसकी इमल्सन की। सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व है सोल बनाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, ये सब इसके एग्जांपल है सोल के, इसमें सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है। गैस सॉलिड में डिजॉल्व है फॉर्म बनाएंगे, एग्जांपल इसके फॉर्म रबर स्पंज। नेक्स्ट लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व है जेल बनाएंगे, जिसको जेली चीज बटर ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ टाइप से कोलोइड के, अगर इसके यूज की बात करें, यूजेज ऑफ कोलोइड पूछना है इस क्वेश्चन में, तो यूजेज ऑफ कोलोइड्स की बात करते हैं, इसका जनरली सेविंग क्रीम, ठीक है, इसके अलावा फोम रबर स्पंज या फेस क्रीम, इनको बनाने में यूज किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशंस का। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तब तक इस स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करके पढ़ते रहिए।